स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन की एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है इसमें हम देखते हैं पहले हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन क्या होती है पॉलीमराइजेशन होती है ये फॉर्म मेकिंग पॉलीमर्स ठीक है हम इसको कहेंगे कि पॉलीमर मेकिंग प्रोसेस जो होता है ना जिसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन ठीक है पॉलीमर्स मेकिंग प्रोसीजर कह लेते हैं प्रोसेस कह लेते हैं ठीक है यहाँ पे हम कहते हैं प्रोसीजर ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं पोलीमराइजेशन अब पोलीमर्स क्या होते हैं पोलीमर्स होते हैं जी लॉन्ग चेन लॉन्ग चेन हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है लॉन्ग चेन लॉन्ग चेन हम लिखेंगे चेन एन ठीक है और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये और इसमें हम क्या देखते हैं इसमें जो है वो क्या होते हैं स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं स्मॉल रिपीटिंग ठीक है स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स अब इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जो पोलिमराइजेशन होता है इसके एक हमारे पास मेथड आ जाता है एडिशन पोलिमराइजेशन अब एडिशन हमें नाम से लग रहा है इसमें क्या करते होंगे हम ऐड करते होंगे ठीक है तो किस तरह से ऐड करते हैं हम इसका जो है वो बेसिक मेथड देखेंगे और हम फर्दर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन या डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम डिफरेंट uh, uh, उसमें देखेंगे हम डिफरेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि एक हम बना लेते हैं लेट सपोज ये मेरे पास एक uh, यहां पर ये हमने ले लिया कि ये मेरे पास लेट सपोज एक मॉलिक्यूल है ठीक है इस तरह से ये मेरे पास मॉलिक्यूल आ गया ठीक है अब क्या होता है पॉलीमर्स में हम कहते हैं ना कि पोली का मतलब होता है मेनी और मर्स का मतलब होता है पार्ट्स मेनी पार्ट्स तो इसमें जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स ये बने होते हैं वो एक जो एक रिपीटिंग यूनिट होता है उसको हम कहते हैं मोनोमर ठीक है ये हमारे पास कहलाता है मोनो मर यानी कि सिंगल यूनिट मोनो मतलब सिंगल ठीक है वन यूनिट तो मोनोमर्स जो होते हैं ना वो एक मोनोमर जो है वो बार 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 रिपीट होता जाता है ठीक है ना अपने ही ए, ए, उनसे जाके मिलता है रहता है ठीक है ना यानी कि जो मोनोमर्स हैं एक मोनोमर जो है वो अपने ही जैसे उससे जो है वो बॉन्ड करता जाता है जो है वो और बहुत लंबी सी चेन बना लेते हैं जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये एक मौजूद है ठीक है ना इस तरह से तो ये क्या करेगा ये रिपीट होता चला जाएगा यहाँ पे ठीक है ये बहुत सारे जो है ना वो आ जाएंगे इसके इस तरह से करके ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे ठीक है ना बहुत सारे यूनिट्स आ जाएंगे लॉन्ग चेन हो जाएगी ठीक है ना यहाँ पर हम थोड़े से बना लेते हैं लेकिन ये इसकी बहुत लंबी चेन भी हो सकती है ठीक है तो उससे क्या होता है ये क्या कहलाती है कि जो ये प्रोसेस होगा इसको बनाने का उसको हम कहेंगे कि ये है हमारे पास पोलीमराइजेशन ठीक है ये प्रोसेस इसको बनाने का पोलीमराइजेशन कहलाएगा और ये खुद जो ये पूरा बना हुआ है इसको हम क्या कहेंगे ये है पोलीमर ठीक है पॉलीमर है ये आपस में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ठीक है अब इसमें एडिशन uh, पॉलीमराइजेशन में बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम ऐड करते हैं ये जो जिस तरह सिंपल एडिंग हो रही है ना एडिशन हो रही है दिस सिंपल एडिशन हुई है इसको हम देख लेते हैं कि किससे हुई है ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक मोनोमर था जिससे ये चीज बनी है ठीक है ना ये एक मोनोमर था जिससे हमने क्या बनाया एक यूनिट था जिससे हमने जो है वो मेनी यूनिट्स बना लिए ज्वाइन करके और ये एक पोलीमर बन गया ठीक है पोलीमर यूजली हमारे पास प्लास्टिक होती है प्लास्टिक ऐसी चीज होती है जिसको हम जो है वो मोल्ड कर सकते हैं ठीक है यानी कि डिफरेंट शेप्स में लेकर आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हम अगर बात कर लें कि हमारे पास अगर आ जाती है इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ जाती हैं मसलन हम कह सकते हैं जी हमारे पास होती है पोलीथीन पोलीथीन कहते हैं हम ठीक है अब पोलीथीन के बैग्स होते हैं प्लास्टिक्स होती हैं इसके डिफरेंट यूजेस आ जाते हैं जिस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे प्लास्टिक रैप्स भी इससे बनते हैं ठीक है ना जिस तरह से ये हमारे पास आ गया पोलीथीन के शॉप शॉपिंग बैग्स होते हैं ठीक है इसी तरह पोलीथीन जिनको हम पोलीथीन बैग्स कहते हैं इसी तरह ये जिस तरह से हम जो है वो शीट फूड को कवर करने के लिए ठीक है ताकि बैक्टीरिया से और फंगस से या अगर फ्रिज में रखना हो तो इसकी जो स्मेल होती है वो फ्रिज में इसकी स्मेल ना हो जाए ठीक है कोई भी हम फूड रखे तो, तो हम जो है वो इसलिए क्या करते हैं उसको प्लास्टिक रैप में जो है वो कवर कर देते हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से ही जो है वो हमारे पास आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि जी हमारा पास इसका यूज़ आ गया यानी कि पोलीथीन का फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी प्लास्टिक रैप में यूज करते हैं ठीक है प्लास्टिक रैप ठीक है या इसको हम क्लिंग फिल्म भी कहते हैं इसको हम कहेंगे क्लिंग फिल्म ठीक है यानी कि ये जो है वो चिपक जाती है बिल्कुल इस तरह से जो है ना वो स्टिक कर जाती है तो हमारे पास ऐसे काफी यूज होते हैं इसी तरह हम जो है वो कहते हैं कि शॉपिंग बैग्स जो होते हैं उनमें भी वो भी किस चीज की जिसमें हम थैलियां कहते हैं आम लफ्जों में ठीक है थैली जो होती है सिंपल वो क्या होती है वो जो है वो पॉलीथीन होती है ठीक है पॉलीथीन से बनी होती है तो हमने कहते हैं शॉपिंग बैग्स पीसी से बन जाते हैं ठीक है फिर इसके अलावा हम देख लेते हैं कि और हमारे पास कौन कौन से एडिशन पॉलीमराइजेशन से बन सकते हैं अच्छा पोलियथीन की अगर हमने बात की है तो हम यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि पोलिथीन में क्या होता है इसी तरह एक मोनोमर होता है जिस तरह से यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो मोनोमर होता है ना वो इस तरह से होता है ठीक है ये हाइड्रोजन ये दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाया होता है और सिंगल सिंगल बॉन्ड्स इन्होंने दो हाइड्रोजन से बना के अपनी वैलेंसी जो इनकी फोर वैलेंसी होती है ना यानी फोर बॉन्ड्स बना सकते हैं तो वो ये सेटिस्फाई करते हैं ठीक है ठीके? और इनसे क्या चीज बनती है इनसे जो है वो बहुत सारे इस तरह से जो है वो बनते चले जाते हैं कि ये जो बीच का बॉन्ड है ना एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की जगह सिंगल रह जाता है और यहाँ यहाँ इनके पास एक एक जो है वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है बॉन्ड्स बनाने की कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की ठीक है इस तरह से ये जो है वो बॉन्ड्स करते चले जाते हैं अब यहाँ पर क्या चीज एडेड होती है इन जगहों पे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाते हैं ठीक है थीके? ये हाइड्रोजन आ जाएंगे ठीक है इस तरह से ये हमने देख लिया कि ये जो है वो आ, हम क्या करते हैं हम इथीन उठाते हैं ठीक है ना इथिन लेते हैं मॉलिक्यूल और उससे क्या कर लेते हैं उसकी पोलिमराइजेशन कर देते हैं ठीक है ठीके? और ये एडिशन पोलीमर से बनता है और हम जो है वो क्या बना लेते हैं लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं ठीक है यहाँ पे लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि जी ये क्या हो रहा है कि बहुत लंबी लंबी चेन्स बनती हैं और ये किससे बन रही हैं ये जो है वो इथिन मॉलिक्यूल से बन रही हैं ठीक है तो हम जो है वो ये कह लेते हैं कि ये क्या हो जाता है ये हमारे पास जो है वो पोली बन जाता है ठीक है ये जो है वो हमारे पास जो है पोलीमर आ गया ठीक है इस तरह से हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि जी आ, हमारे पास क्या हो गई पोलिमराइजेशन हो गई ठीक है और इसके हमने जो है वो पोलियथीन बना लिया इसी तरह हम जो है वो जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं ठीक है थीके? या डिस्पोजेबल प्लेट्स हम यूज करते हैं तो वो किस चीज की होती है बनी हुई वो जो है वो पोलिसरीन की होती है ठीक है पोलीस्टायन ठीक है ये भी हम देख लेते हैं डिस्पोजेबल कप्स या हमने जो है वो प्लेट्स यूज़ की हैं यूज़ करते हैं समटाइम्स हम उनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं ठीक है ना सम हम उनको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं डिस्पोजेबल इसीलिए कहते हैं और ये इस तरह से हमारे पास होती हैं तो जिस मटेरियल की ये बनी हुई है वो क्या है ये हमारे पास जो है वो पोली होता है ठीक है और ये भी जो है वो एक रिपीटिंग यूनिट से बना होता है किसके रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं स्टायरन के रिपीटिंग यूनिट होते हैं ठीक है स्टायरीन जो होता है वो उसमें क्या होता है मोनोमर होता है ठीक है मोनोमर और स्टायरीन क्या होता है स्टायरीन को हम देख लेते हैं स्टाइरीन के लिए हम बनाते हैं एक होता है कार्बन ठीक है और इसका जो है वो डबल बॉन्ड बना हुआ है दो दो कार्बन होते है, इनके हैं इनके दरमियान में डबल बॉन्ड होता है एक कार्बन जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है और अपना फोर बॉन्ड्स इसने पूरे किए दूसरे ने क्या किया होता है एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ था और दूसरा जो है वो बेनजीन रिंग के साथ जो है वो अटैच होता है ठीक है इस तरह से तो ये हमारे पास क्या आ जाता है ये हमारे पास आ जाता है जी स्टाइरीन ठीक है ये होता है स्टाइरीन तो इससे जो है वो मिलकर बना हुआ होता है ठीक है ये मोनोमर होता है इसका फिर हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास पीवीसी प्लास्टिक आ जाती है ठीक है ना पीवीसी हमने बड़ा नाम सुना है इसका पीवीसी प्लास्टिक जो होती है तो ये क्या होती है ये भी हमारे पास जो है वो प्लास्टिक है ठीक है इसको हम कहेंगे पोली विनाइल क्लोराइड ठीक है पोली विनाइल क्लोराइड क्लोराइड ठीक है और इसको हम कहते हैं क्या है पीवीसी के नाम से हम इसको जानते हैं ठीक है ना हम सब जानते हैं और इससे क्या होता है हम डिफरेंट टॉयज बनाते हैं पाइप्स बनाते हैं ठीक है ना तो इस तरह की चीजें हम बनाते हैं इससे तो और हम देखते हैं कि ये किस तरह की होती है इसकी जो है वो हम आ, इसको हम देख लेते हैं कि अगर पाइप्स वगैरह किस तरह की हमें पता चले इस तरह से हमारे पास जो है वो पाइप्स वगैरह जो है वो प्लास्टिक के जो आ जाते हैं ना तो वो क्या होते हैं वो हमारे पास जो है पी वी के बने होते हैं ठीक है थीके? तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो इसके क्या यूजेज है पोलिविनाइल क्लोराइड के वो हमने कहाँी टॉयज पाइप्स एट्सेट्रा बनाने के लिए आता है ठीक है और इसके अगर हम यूनिट देखें रिपीटिंग uh, यूनिट तो पोलिवनाइल क्लोराइड मतलब कि क्या होगा कि ये विनाइल क्लोराइड से बने होंगे ठीक है विनाइल क्लोराइड इसका क्या है मोनोमर है ठीक है मोनो मर यानी कि विनाइल क्लोराइड के रिपीटिंग यूनिट्स होंगे जैसा कि हम देख लेते हैं विनाइल क्लोराइड क्या होता है विनाइल क्लोराइड को देख लेते हैं हमारे पास होता है सी डबल बॉन्ड सी ठीक है वही कार्बन का डबल बॉन्ड है किसके साथ कार्बन के साथ इस तरह से आ गया ठीक है और साथ में क्या होता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है यहाँ इसके साथ एक हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या होती है क्लोरीन लगा होता है और इस तरह से ये हमारे पास होता है विनाइल क्लोराइड इसके जब रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि एक कार्बन 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 डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है दोनों के पास अपॉर्चुनिटी आती है एक एक और बॉन्ड बनाने की दोनों जो है वो क्या करते हैं अपनी ले, इनको लेंथन करते हैं अपने ही जैसे यूनिट से ठीक है और इस तरह से हमारे पास हो जाती है पोलिमराइजेशन यानी कि एडिशन पे एडिशन होती चली जाती है इसी के यूनिट की ठीक है तो यूनिट्स जब एड होना शुरू होते हैं ठीक है और हमारे पास कुछ लूज नहीं होता बल्कि क्या होता है कि हमारे पास एक लंबी चेन आ जाती है विद एडिशन ऑफ द मोनोमर्स ठीक है तो वो हमारे पास जो पॉलीमर बनता है तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन पोलिमराइजेशन